लेट्स बिगिन न्यू चैप्टर सिंपल प्रेजेंट टेंस क्वेश्चन वर्ड्स. ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस मींस प्रोसेस इज ऑन एंड इवेंट्स इज ऑन. ओके, अ वर्ड दैट रेफर्स प्रेजेंट टाइम, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस. ओके, वी हैव टू मेक क्वेश्चन इन प्रेजेंट टेंस. क्वेश्चन वर्ड्स, विच क्वेश्चन वर्ड्स? व्हाट, when, where, how, whom, and why. All these words are question words and we have to make questions from these words. Okay, what is the formula of these questions? Let's see. Question words plus do, does, plus subject, plus V1, verb ka first form and complement. Okay, in the plural subject, I, we, you, inke samne do use kiya jata hai. And yahan pe look here, do, does. Hame question aayega ki hame do aur does kaha use karna hai. Okay, agar सेंटेंस में आई से अगर सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, तो उनके सामने हमें क्वेश्चन वर्ड्स लिखकर हमें डू का यूज करना है. देन ही शी ईट, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट ही शी ईट, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, तो इनके सामने हमें डज यूज करना है. ओके, लेट्स सी एग्जांपल्स. When, W-H-E-N, this is a question word. Take example, I eat lunch at 2 p.m. I eat lunch 2 p.m. Here, at 2 p.m. underline here. Okay, and we have to make questions of this statement. This is the present tense statement, and we have to make questions. Use when. At 2 p.m. यहाँ पे हमें टाइम बता रहा है ना, हमें वेन से क्वेश्चन करना है. तो यहाँ पे देखो, when, this is the question words. Look here, formula. And do, do does. And they is the subject. And question words. Do, does. And they is the subject. And it is a verb, even. And see is a कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चंस. ये लुक हियर फॉर्मूला, क्वेश्चन वर्ड्स डू डज प्लस सब्जेक्ट वी वन प्लस कॉम्प्लीमेंट. यहाँ पे डू आ गया ना, व्हाई? बिकॉज़ यहाँ पे दे है. ओके, आई ईट लंच एट 2 पीएम, यहाँ पे देखो आई इज अ सब्जेक्ट, वी वन इज अ ईट इज अ वर्ब, एंड लंच एट 2 पीएम दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट. ये आ गया है, इसका हमने क्वेश्चन बनाया है. ओके, अभी हम देखेंगे वेयर से हम क्वेश्चन कैसे बनाना है. ही स्टेड एट द अशोका होटल. ही स्टेड एट द अशोका होटल. यहाँ पे एट द अशोका होटल, एट द अशोका होटल यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है. इससे हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वेयर कहाँ पे, वेयर डज शी स्टे, वेयर डज शी स्टे. लुक हियर, W-H-E-R, this is the question words. Does, and he is the subject, and stay is a verb. Okay, and in this year, he is the subject, verb, and the complement. This is a simple present tense. We have to make questions of this statement. Okay, use where, because here the place of, jahan pe wo roke the na, stayed at the Ashoka Hotel is the name of place. Okay, for that we use where. Okay, where does she stay? Okay, next is why. Why se agar hame question puchna hai, take example, she hates him because she is dishonest. हमें उसका reason पता चलता है, हम because से answer देते हैं, है ना. अगर why से पूछे तो यहाँ पे देखो subject, verb, him is a compliment, ये सब यहाँ पे compliment आ गया. और यहाँ पे देखो according to formula W-H-Y, this is the question words, does plus subject plus compliment. Okay, ये इसका ये आ जाता है. अभी ये इसके लिए अब हम देखेंगे व्हाट से, व्हाट से देखे हमने अभी
बेयर से देखे हैं और इसके भाई से देखे ना, भाई से देखे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन व्हाट से, हमें व्हाट से कैसे क्वेश्चन बढ़ा रहा है। देखो टेक एग्जांपल, दे वांट मोर मनी, सॉरी दे वांट मोर मनी, दे वांट मोर मनी। यहाँ पे हमें व्हाट से क्वेश्चन बनाना है यहाँ पे, और अंडरलाइन किसे करेंगे हम, मोर मनी, मोर मनी। आंसर क्या आएगा इसका फिर, व्हाट डू दे वांट, व्हाट डू दे वांट, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने व्हाट के देखे, यहाँ पे देखो व्हाट इज अ क्वेश्चन वर्ड्स, डू फिर सब्जेक्ट एंड देन कॉम्प्लीमेंट, व्हाट क्वेश्चन वर्ड्स डू हेल्पिंग वर्ब्स दे सब्जेक्ट एंड वी वर्ड वांट। ओके एंड आंसर इसका क्या आएगा फिर, इसका ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन से बनाया है, इसका आंसर क्या आएगा, दे वांट मोर मनी, दे वांट मोर मनी। मैंने सिर्फ ये एग्जांपल ली थी आप, है ना। अभी हम देखेंगे होम से एग्जांपल, होम होम से एग्जांपल, एग्जांपल लो, ही हेल्प्स हिज फ्रेंड्स, ही हेल्प्स हिज फ्रेंड्स। यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है his friends को, यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। इसका आंसर क्या क्या आएगा, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, डब्ल्यू एच होम टू डीज डस, क्या आएगा यहाँ पे, डस, क्योंकि यहाँ पे ही है, ही के सामने क्या आता है, डस, है ना। हु डस ही हेल्प, क्वेश्चन मार्क, ही हेल्प का यहाँ पे यस निकल गया क्योंकि यहाँ पे डज आ गया। ओके इस तरह से हमें पूरे ये जो व्हाट से, व्हेन से, वेयर से, हाउ से, हुम से, व्हाई से, ये सब क्वेश्चंस हमें बनाने हैं। ओके बहुत सारी एक्सरसाइज गिवन इन योर बुक, लेट्स सी वन बाय वन, लेट्स सी एक्सरसाइज सिंपल प्रेजेंट टेंस 7 चैप्टर, फिल इन द ब्लैंक्स, वी डू और डज। वहाँ पे हमें क्या लिखना है, डू और डज का यूज करना है। ओके लेट्स सी वन बाय वन, व्हाई डू यू वेस्ट योर टाइम, सेकंड इज वेयर डज शी वांट टू गो, थर्ड व्हेन डू दे स्टार्ट देयर वर्क, व्हाट डज ही डू इन द इवनिंग, हुम डज शी राइट अ लेटर एवरी डे। Okay, how do people become so rich? What do you want from me? When does the sun rise these days? And where do the children play? Okay, ये यहाँ पे हमने do, does का use किया है। He, she, इनके सामने हम does use करते हैं। Okay, now let's see next exercise. Look here now, questions with what, question with what, okay, answer is given and we have to make question. Okay, आपके लिए वहाँ पे example भी दिया है, they want more money and questions what do they want, यानी first of all we take question words, then do, they plus subject and verb and question mark, ये this is our formula, she wants more money, what does she wants, यहाँ पे भी हमने what is the question words, does and he है वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे क्या आएगा, does आता है and he want and question mark. Now let's see exercise, write question starting with what to which the following are the answers, they wear turbans, they wear turbans, वहाँ पे देखो turbans को ऐसे dark इसमें लिखा है ना, TURBANS, ये turbans है, वहाँ पे डॉट के यानी पूरे से डार्क किस में दिया है, यानी वो आंसर है, इसका हमें क्वेश्चन बनाना है। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिया है कि हमें स्टार्टिंग विथ व्हाट से करनी है, व्हाट से करनी है, तो पहले हम व्हाट लिखेंगे, उसके बाद वियर में जो हेल्पिंग वर्ब आता है ना, डू वियर, अगर वहाँ पे वियर्स हो आया रहता
वहाँ पे अगर वॉर होता डब्ल्यू ओ आर ई तो वहाँ पे क्या आ जाता, डिड आ जाता। लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस देख रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे डू आएगा। वॉट डू दे बियर क्वेश्चन मार्क। ओके, आई रीड स्टोरी बुक्स, वॉट डू आई रीड क्वेश्चन मार्क्स, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, यहाँ पे स्वीट्स भी देखो इसमें डार्क इसमें दिया है। वॉट डू चिल्ड्रेन लाइक, जो वर्ड्स डॉल ने ज्यादा डार्क इसमें दिए हैं वो वर्ड्स हमें सेंटेंस में नहीं लेना है। ओके, अनीता नोज अ सीक्रेट, वॉट डज अनीता नोज। ओके, मिशा ब्रिंग्स रिफ्रेश फ्लावर्स, वॉट डज मिशा ब्रिंग्स क्वेश्चन मार्क। हिज फादर सेल वुलन क्लॉथ, वॉट डज हिज फादर सेल क्वेश्चन मार्क। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन विथ वैन, यहाँ पे देखो क्वेश्चन विथ वैन है, यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल्स आर गिवन। दे ईट लंच एट 2 PM, एट 2 PM को वहाँ पे डार्क इसमें किया गया है तो वहाँ पे हमें वैन डू यानी उसका टाइम पूछा है तो वैन डू दे ईट लंच। ओके, एंड शी ईट्स लंच एट 2 PM, वैन डज शी ईट लंच, यहाँ पे शी आया है इसलिए वहाँ पे डज यूज हुआ है, दे आया है तो वहाँ पे हमने डू यूज किया है। ओके, इस तरह से हमें ये स्टार्टिंग विथ वैन से ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ओके, लेट्स सी वन बाय वन, वी प्ले गेम्स इन द इवनिंग, इवनिंग इज टाइम इज गिवन हमें यहाँ से, तो इसका आंसर क्या आएगा, वैन डू वी प्ले गेम्स, वैन डू वी प्ले गेम्स। ओके, दे रीच स्कूल एट 10 AM, इसका आंसर है व्हाट डू दे रीच स्कूल। ओके, आई फिनिश माय वर्क बाय 4 PM, व्हेन डू आई फिनिश माय वर्क क्वेश्चन मार्क। शी कम्स हियर ड्यूरिंग द हॉलीडे, व्हेन डज शी कम हियर क्वेश्चन मार्क। निशा प्रिपेयर्स अ टी एट 7 AM, व्हेन डज निशा प्रिपेयर टी क्वेश्चन मार्क। प्रेम गोज टू बेड एट 10 PM, व्हेन डज प्रेम गो टू बेड क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चंस विद वेयर से हमें क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं वो हम देखेंगे। अभी यहाँ पे भी एग्जांपल्स आर गिवन। दे स्टे एट अशोका होटल, एट द अशोका होटल, एट द अशोका होटल इज द प्लेस दिया है ना, और इसका क्वेश्चन हमें यानी प्लेस बताया है तो हमें वेयर से क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे। तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड्स लेते हैं, उसके बाद डू डिज डू डस ये लेते हैं, और उसके पास सब्जेक्ट और उसके पास वर्ब लेते हैं, क्वेश्चन मार्क देते हैं। तो वेयर डू दे स्टे, ही स्टेड एट अशोका होटल, वेयर डज ही स्टेड क्वेश्चन मार्क। अभी नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज, राइट क्वेश्चन स्टार्टिंग विद वेयर टू विच द फॉलोविंग्स आर आंसर्स। ओके, वी प्ले इन दिस ग्राउंड, वी प्ले इन दिस ग्राउंड, वेयर डू वी प्ले, वेयर डू वी प्ले, जो वर्ड्स डार्क इसमें दिए हैं वो हमें लेना नहीं है। आई कीप माई मनी इन अ पर्स, वेयर डू आई कीप माई मनी। ओके, दे लिव इन अ बिग हाउस, वेयर डू दे लिव क्वेश्चन मार्क। द टीचर सीट्स ऑन हिज चेयर, वेयर डज द टीचर सीट क्वेश्चन मार्क। हिज अंकल वर्क्स इन अ फैक्ट्री, वेयर डज हिज अंकल वर्क्स क्वेश्चन मार्क। द बेगर स्लीप्स ऑन द ग्राउंड, वेयर डज द बेगर स्लीप क्वेश्चन मार्क। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन विद व्हाई, हमें व्हाई से क्वेश्चन पूछना है। अभी वहाँ पे देखो एग्जांपल्स आर गिवन, पीपल्स हेट हिम बिकॉज ही इज डिसऑनेस्ट, यहाँ पे बिकॉज से हमें रीजन पता चलता है ना, अगर हमने व्हाई से पूछे तो हमें रीजन देना पड़ता है। तो पीपल हेट हिम बिकॉज ही इज डिसऑनेस्ट, व्हाई डू पीपल हेट हिम क्वेश्चन मार्क। शी हेट्स हिम बिकॉज शी इज डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट यानी बिकॉज से आंसर रीजन दिया है यहाँ पे। व्हाई डज शी हेट हिम, शी हेट्स हिम बिकॉज शी इज डिसऑनेस्ट, इस तरह से यहाँ पे राइट क्वेश्चन स्टार्टिंग विद व्हाई टू विच टू फॉलोइंग आर आंसर। ओके, आंसर यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, इसके हमें आंसर दिए हैं, उसके क्वेश्चन हमें बनाने हैं। ओके, रीजन के आंसर दिए बिकॉज से, सॉरी रीजन बताया है बिकॉज
से आंसर दिया है, इसका हमें क्वेश्चन पूछना है. I get up late because I come on foot. Why do I get late? Why do I get late? यानी क्वेश्चन वर्ड्स पहले आएगा, फिर उसके बाद डू आएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट. सो सब्जेक्ट, फिर वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क. We trust him because he is dishonest. Why do we trust him? They fail every time because they are lazy. Why do they fail every time? She laughs at him because he is a fool. Okay. Why does she laugh at him? She works hard because he wants to win a prize. He wants to win a prize. Iska answer kya aayega? Why does he work hard? Misha likes his books because it is very beautiful. Why does Misha like this book? Okay, now let's see question with how. Abhi how se hame question puchna hai. Some examples are given. They keep fit by taking exercise daily. How do they keep fit? Question mark. Jo word isme words mein diye hai, wo answer hai. Usko nahi likhna hai. Hame baaki ke words lekar hame question banane hai. She keeps fit by taking exercise daily. How does she keep fit? Question mark. Now let's see how to solve exercise. Write questions starting with how to which the following are answers. Okay, people fall ill by overeating. वहाँ पे overeating का ये दिया है sentence. Bold इसमें दिया है, dark इसमें दिया है, वो answer है. इसका हमें question बनाना है. How do people fall ill? Okay, we become rich by working hard. How do we become rich? We win respect by being honest. How do we win respect? A man becomes happy by helping others. How does a man becomes happy? She earns money by drawing. How does she earns money? She helps his friend by giving. How does he helps his friends? Question mark. Now six is the questions with whom. अभी यहाँ पे whom से question पूछा गया है. वहाँ पे दिया है they help their friends. Their helps is bold इसलिए लिखा है, वो answer है. उस answer का हमें question बनाना है. Whom do they help? She helps his friends. Whom does he help? Okay, let's see how to solve exercise with whom. Starting with whom. Okay, let's see. Teachers love good students. Teacher loves good student. वहाँ पे इसका answer क्या आएगा? Whom do teachers love? Question mark. They dislike bad workers. Whom they dislikes? Question mark. I teach my younger brother. Whom do I teach? Question mark. Nisha praises her friends. Whom does Nisha praise? Question mark. She welcomes good artists. Whom does she welcomes? Question mark. Mohan visit his grandfather. Whom does Mohan visit? Question mark. इस तरह से आप अपने how, what, when, where, why, how and whom से questions बनाए हैं. This is your chapter is finished now. Okay.